झारसुगुड़ा ब्रजराजनगर पुलिस एनकाउंटर मधुपुर निकटरे पुलिस अपराधी मुहांमुही पुलिस गुड़े चारि दुर्दांत अपराधी गुरुतर होते समस्त जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती कर पुलिस उपरक गुड़ कर फेरार होगा उद्यम करनकाउंटर कर पुलिस विलंबित राति पूर्व शत्रुता को केन्द्रक ब्रजराजनगर में गुड़माड़ होता एक घटन अपराधी को खोजाक जा समय पुलिस अपराधी मध्य गुड़ विनिमय होता राति दुर्वृत्त गुड़माड़े दुर्दांत अपराधी सोनू घोष भाई मंटू घोष मृत्यु होता गुड़िकाण्डर सीसीटीवी भिजुआल सामना को आसी स्थानीय लक्ष्मी कैफे होटेल मंटू बसीता बेले दुर्वृत्त उपरक गुड़माड़ कर मुंडे दुईट गुड़ बाजि बेले मेडिकल भर्ती कराक्तर मृत घोषणा कर मंटू ना विभिन्न थाना एकाधिक मामला रही ब्रजराजनगर में दुईमास ते घटी अमित धल हत्याकांड मुख्य अभियुक्त सोनू घोष एवं जेल रही न्यूज सेवेन आपने फास्ट विजुआल देखिपुंट झारसुगुड़ा ब्रजराजनगर पुलिस एनकाउंटर मधुपुर निकटे पुलिस अपराधी मुहांमुही होती किंतु वर्तमान जो खबर सामना को आसी गत विलंबित राति जो भाव में गुड़िकाण्ड होता तार वर्तमान सीसीटीवी विजुआल वायरल होबार लगी दुर्वृत्त मैंने किभली भाव में टिके भी भय ना डर ना पुलिस आखिरी अंगुड़ी गेजी से आसुच्चर्वसाधारण गुड़माड़ कर फेरार हो जाते ए घटना वर्तमान सारा राज्य रे चांचल्य खेलाई किभली भाव में वर्तमान अपराध बढ़ी बढ़ी चली अपराधी पुलिस को टिके भी भय ना खातिर ना ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई फोन लाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि प्रशांत महांते प्रशांत दुईट घटना वर्तमान तापर आलोचना करवा वर्तमान पुलिस और गत काली जो माने अपराधी माने खसी जाते से तो एनकाउंटर हो संपर्क में जानबू किंतु वर्तमान जो विजुआल वर्तमान वायरल होबार लगी सारा राज्य में चांचल्य खेली जा दुर्वृत्त मान डर भय टिके भी ना पुलिस आखिरी आंगुड़ी गेजी एभली हत्याकांड घटाऊ निश्चित भाव में मधु जहां आपंज पुलिस आखिरे आंगुड़ी गेजी अपराधी मैंने अपराध घटाई चली एकदम सत्य कथा सत कथा कारण गत काली जो संध्या साढ़े सतटा आठटा समय जो चाहा कॉफी पीवाई लोक मैंने होटेल बसी खोला खोली भाव में अपराधी आसुच्च विजुआल कहूँ किसी लोक धक्का मारुं पूर्वर टार्गेट कला भाया सेठे बसी मंटू घोष निकट को जाका मारी पका मुंड को एकदम निकट रू गुड़ी चाला कर पुणी गोटे राउंड नीन राउंड लगातार भाव में गुड़ चाला करने से फेरार हो जाते ये हूँ गोटे बड़ घटना आम एटे पूर्व सूचना दे पार जिते जून मस 24 तारीख में अमित धल को हत्या कर हत्याकांड गत कालीर जो फायरिंग घटना जे मृत्युबरण कला मंटू घोष ता भाई सामिल रही से हत्याकांड तेणु से दिन ही टार्गेट करते अमित धलर जो मैंने तार संपर्क तार बंधु तार जो मैंने सांग से मैंने टार्गेट करते जे सोनू घोष जहाँ रही तार नेटवर्क रही से नेटवर्क जो मैंने भी सामिल रही से विरुद्ध से मैंने कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे टार्गेट कर मारे से ही क्रम गत काली संध्या से घटना घटी तेणु आम मोटामोटी भाव में कहीपर जे ब्रजराजनगर वर्तमान एक रकम अशांत हो उठी आई अशांत सहर में वर्तमान लोक मितर गोटे भयर वातावरण है केते कहा को जगार गुड़ चाला हम तार कई कहीपर ना कि आम एटे स्पष्ट भाव कहीपर जे ब्रजराजनगर कोईला खणि अंचल कोईला खणि अंचल निजर पतिराज हेर करने कि गोष्ठी जो मैंने गैंग गठन करतीजर पतिराज जाहिर करने उद्यम जारी रखी से भितर ही लड़े चली बारंबार घटू गत तीन चार मस भर दुई दुईट हत्याकांड घटिगला फायरिंग पर चारि चारि थर गुड़ चाला है से दुई जन मरु मरु बंची तेना मोटामोटी भाव में कह ब्रजराजनगर में वर्तमान पुलिस को कहारी भी खातिर ना कहारी भी भय ना खोलाखोली भाव में अपराधी मैंने विचरण करंड घटाई चलते निश्चित भाव में प्रशांत आउ ए विजुआल देखिले ए दृश्य देखिले पूरा लगुच जमी गोटे फिल्म स्टाइल रे आसी दुर्वृत्त मैंने आसी अपराधी मैंने आसी संध्या समय संध्या साढ़े आठटा समय एभली घटना घटाई चली जाउछंती आउ किछि घटना घटीगला परे पुलिस एनकाउंटर आरंभ करुछि पुलिस अपराधी को खोजिबा आरंभ करुछि किंतु ता पूर्वरु ना पुलिस सहर मध्ये कोनोसी चेकिंग रहुछि ना पेट्रोलिंग रहुछि जहाँ फलरे कि एभली घटना सामना को आसुछि प्रशांत ए घटना घटीजिबा परे जहाँ वर्तमान रो सूचना पुलिस आउ अपराधी मध्ये एनकाउंटर होइछि पुलिस किछि अपराधी को धरिबारे सक्षम होइछि कि
ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ତାପରେ ସାରା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ପୋଲିସକୁ ଯେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀକୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ। ତେଣୁ ଏ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲା, ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ସିଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ରାଜପୁର ନିକଟସ୍ଥ ମଧୁପୁର ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଏ ଅପରାଧୀମାନେ ପଳାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବା ବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଚକ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଆଉ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ସେମାନେ 4 ଯାକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଅମିତ ଧଳ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସିଏ ଗତକାଲି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ସହିତ ଆହୁରି 3 ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧୀଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ଆଉ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।